तो फ्रेंड्स, गूगल क्रोम की सेटिंग कैसे रीसेट करें? अगर आपको नहीं पता कैसे आप गूगल क्रोम की सेटिंग कैसे रीसेट करेंगे, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कैसे आप गूगल क्रोम की सेटिंग रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदा होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला फ़ायदा हमारा ये होगा, हम जो क्रोम ब्राउज़र में सर्च करते हैं, जो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये हमारा होगा, जो हमारा फ़ोन स्लो चलता है और हैंग होता है तो वो भी पहले से फास्ट चलने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी प्रॉब्लम हट जाएगी। और तीसरा फ़ायदा हमारा ये होगा, जो हमारी इंटरनेट की स्पीड है क्रोम ब्राउज़र में, वो भी हमारी पहले से फास्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ लगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स, जो भाई हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ़ोन के स्क्रीन पे वही जानते हैं कैसे आप क्रोम की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, तो चलिए जानते हैं कैसे आप क्रोम की सेटिंग को रीसेट करेंगे, जो भी आपने कस्टमाइज करके सेटिंग की हुई है वो भी सारा क्लियर हो जाएगा आपका, और साथ में आपने जो बुक मार्क करके सेव की हुई है वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे आप क्रोम की सेटिंग को रीसेट करोगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने चले जाना है फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपने चले जाना है मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपने चले जाना एप्लीकेशन में। आपको किसी और तरीके से दिखता होगा फ्रेंड्स ऐप मैनेजर या ऑल ऐप्स, तो फ्रेंड्स आपने उसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, ऑल में चले जाना है। ऑल में जाने के बाद फ्रेंड्स, ये मेरा लोडिंग हो रहा है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन, क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ लेना है फ्रेंड्स। ये रहा मेरा क्रोम ब्राउज़र, ठीक है फ्रेंड्स, आप सर्च कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपने जो चले जाना स्टोरेज में, स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने क्लियर एच पे क्लिक करना, मैनेज स्पेस पे भी क्लिक करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपने टोटल द यूज बाय क्रोम इंक्लूड अकाउंट बुकमार्क एंड सेव्ड सेटिंग फ्रेंड्स, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना फ्रेंड्स। आपने यहाँ एक पॉपअप आएगा आपको, ये भी इस पे भी ओके कर देना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने चले जाना है ओपन बाय डिफॉल्ट में, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारी सारा क्लियर ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने बाहर चले जाना है फ्रेंड्स, अब आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम अपने फ़ोन में नया नया क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उसी तरीके से ये अब खुल रहा है। तो आपने एक्सेप्ट एंड नेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको ऑन ही रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपने यस आई एम इन पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे जो से अकाउंट से लिंक किया होगा वो अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कल हमारा जो भी हो चुका है फ्रेंड्स। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स। तो बाय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देन आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।